नमस्कार साथियों, उड़ान क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। हमने पहले किसके बारे में पढ़ लिया? वाटर के बारे में पढ़ लिया। आज अपन पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है? तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का मिलाकर एक सम्मिलित एक कोई चीज बनती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसको अपन अमीनो एसिड कहते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं जिनके अंदर सल्फर भी पाया जाता है और कुछ के अंदर कुछ मात्रा में फॉस्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है? तो हम इसकी डेफिनेशन लिखे, अगर प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है? प्रोटीन यह है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ मात्रा में फास्फोरस, कुछ में फास्फोरस और सल्फर, फास्फोरस और सल्फर इसके संरचनात्मक घटक बनते हैं। सल्फर से बनने वाला पोषक तत्व है, सल्फर से बनने वाला। तो प्रोटीन क्या है? जनरली प्रोटीन के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो जरूरी वहां पर प्रेजेंट होंगे। कुछ के अंदर सल्फर भी पाया जाता है, हम उनको सल्फर कंटेनिंग बोल देते हैं, और कुछ के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है। तो ये बात ध्यान में रखें। और ये जो इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, प्रोटीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इकाई अमीनो अम्ल कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, अमीनो अम्ल कहलाती है। तो प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? अमीनो अम्ल कहलाती है, ठीक है ना? अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल कहलाती है, ठीक है? अब पशु के शरीर में क्या होता है? अब दो तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड दो तरीके के होते हैं, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। अब पशु के शरीर में क्या, अधिकतर अमीनो एसिड्स तो बन जाते हैं, ठीक है ना? पर कुछ अमीनो एसिड क्या होता है, पशु के शरीर में बनते नहीं है। तो उन एसिड को, उन अमीनो एसिड्स को क्या होता है, हमें बाहर से देना पड़ता है, ठीक है ना? तो हम उनको क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अधिकतर अमीनो अम्ल, अधिकतर अमीनो अम्ल पशु शरीर में बन जाते हैं। परंतु कुछ नहीं बनते, परंतु कुछ नहीं बनते, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, ठीक है? तो दो तरह के अमीनो एसिड हो गए, आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। हमारे लिए आवश्यक अमीनो अम्लों को पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये शरीर से बाहर से देने पड़ते हैं। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं पशु के लिए? आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन। कौन कौन से? आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन, ठीक है ना? कौन कौन से हो गए? आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन लाइसिन, ठीक है? आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मैथियोनिन,
मैथियोनिन, फिनाइन एल, मैथियोनिन फिनाइन एलेनिन ट्रिप्टोफेन, ठीक है, फिलाइन एलेनिन, इसके अलावा ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन, ठीक है। स्पेलिंग आई थिंक इजीली समझ में आ रही होगी ना कि ये लिखा है आर्जिनिन, आर्जिनिन, आरजी निन, ठीक है। ये मैंने लिखा है वैलिन, ये मैंने लिखा है हिस्टिडिन, हिस्टिडिन, ठीक है। ये ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये आवश्यक है, बाहर से देने पड़ेंगे भाई, आइसोल्यूसिन, ठीक है। फिर लाइसिन, मैथियोनिन, मैथियोनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ये सब आवश्यक अमीनो एसिड है ना। ट्रिप्टोफेन, ठीक है, और फिर थ्रियोनिन, ये सब आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये इतने, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि मुर्गियों में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है, वो आवश्यक के अंदर आता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड इन पोल्ट्री, एसेंशियल अमीनो एसिड इन पोल्ट्री, तो वहां पर अपन नाम किसका देते हैं, ग्लाइसिन का, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, एसेंशियल अमीनो एसिड इन पोल्ट्री क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एसेंशियल अमीनो एसिड इन पोल्ट्री कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन। पोल्ट्री के अंदर एक अलग से अमीनो एसिड की स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट रहती है, उसको नाम दिया जाता है किसका, ग्लाइसिन का, ठीक है ना। अब अपन पता करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की क्या मात्रा रहती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा की गणना अपन सीपी से करते हैं, किससे करते हैं, सीपी से। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा, ठीक है, तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन जो है सीपी के रूप में रहता है, लिख लो चाहे, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन सीपी के रूप में रहता है, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन सीपी मतलब क्रूड प्रोटीन ना, सीपी के रूप में रहता है, क्रूड प्रोटीन सीपी के रूप में, के रूप में रहता है। अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत पहले भी, जैसे कि स्ट्रो, स्ट्रो में सीपी कितनी होती है, 0 से 1, ठीक है, तो हमने बताया था वीट स्ट्रो की जो डीसीपी होती है वो 0 होती है, ठीक है। ग्रेन्स में 8 से 12 और हे में 6 से 7, ग्रेन्स मतलब दाने, 8 से 12 उसमें प्रोटीन रहता है, और हे के अंदर 6 से 7% क्रूड प्रोटीन रहता है, उसके अंदर प्रोटीन मौजूद रहता है। इसके अलावा मील बाय प्रोडक्ट जो होते हैं, कौन से, किसी मील के अंदर बन रहे हैं और मील के बाय प्रोडक्ट हैं, उसमें मीट बाय प्रोडक्ट होते हैं, उसमें मीट बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। जैसे कि मील का मतलब क्या होता है, सुगर मील, सुगर मील, ठीक है, तो वहां पर क्या बनेगी,
चीनी बनेगी, मीट मतलब जहां पर मीट वगैरह बनता है उसके बाद में जो कुछ भी शेष रह जाता है तो उसकी बात की जाती है। तो मील बाय प्रोडक्ट और मीट बाय प्रोडक्ट ये दो है। तो मील बाय प्रोडक्ट में कितना है 15 से 17 और मीट बाय प्रोडक्ट में 40 से 80, कितना रहता है 15 से 17%। और मीट बाय प्रोडक्ट में, मीट में अच्छा प्रोटीन रहता है, आप लोगों ने सुना भी होगा ना शुगर वगैरह तो कार्बोहाइड्रेट रिच है तो उसमें प्रोटीन कम रहेगा, और मीट के अंदर आपने सुना भी होगा मीट प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स के अंदर भी मीट बढ़िया प्रोटीन आएगा तो 40 से 80% रहता है। इसके अलावा दालों में 25 से 30% रहता है, दालों में 25 से 30% तक रहता है, ठीक है। और खल जो होती है खल में 35 से 45% तक होता है। ये इनके अंदर मौजूद क्रूड प्रोटीन है। क्या क्या किस किस में हमने बात की है, स्ट्रॉ के अंदर 0 से 1%, ग्रेन्स में 8 से 12%, हे में 6 से 7%, मील बाय प्रोडक्ट 15 से 17%, मीट में 40 से 80%, दालों में 25 से 30% और खल में 35 से 45%। तो ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनमें प्रेजेंट प्रोटीन की मात्रा आपको बताई गई है। अब अपन देखते हैं प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। हमारे पास अब सामने आते हैं अपने पास प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य क्या हैं। प्रोटीन मसल्स बनाने के अंदर हेल्प करता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है ना। प्रोटीन के कार्य क्या है, प्रोटीन का कार्य है, प्रोटीन पशुओं के शरीर के लगभग 20% भाग बनाता है, प्रोटीन पशुओं के शरीर का लगभग 20% भाग बनाता है और दूध के अंदर लगभग 3.6% प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो पशु के शरीर का लगभग कितना परसेंट, 20% भाग कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो इसको लिख लेते हैं अपन, पशु के शरीर का लगभग 20% पार्ट, शरीर का लगभग 20% भाग प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, ठीक है ना। तो पशु के शरीर का लगभग 20% भाग किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन शरीर में कोशिकाएं उत्तक व प्रोटीन शरीर में कोशिकाएं उत्तक, पता है ना, सेल्स टिश्यूज मांसपेशियां एवं मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है। हर सेल्स को प्रोटीन चाहिए, वो किसी न किसी रूप में प्रोटीन को यूटिलाइज करती है, ठीक है। प्रोटीन शरीर में कोशिकाएं उत्तक एवं मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है, के निर्माण में सहायता करता है। आप लोगों को ये बातें कॉमन है इसलिए इतना अपन जोर दे के नहीं बता रहे, सबको पता है सेल्स को बनाने के लिए, उत्तक को बनाने के लिए, ठीक है, और मांसपेशियों को बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा निर्माण में सहायता करता है एवं इनके मरम्मत, जब इनमें टूट फूट हो जाती है एवं इनकी मरम्मत में भी मदद करता है। प्रोटीन ही जो होता है वो क्या करता है, इनकी मरम्मत में भी मदद करता है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी टिश्यू वगैरह है और कोई कोशिका है मांसपेशियां, उनको बनाने में मदद करेगा, साथ ही साथ उनकी अगर उनमें कोई डैमेज हो गया तो उसको डैमेज कंट्रोल यानी उसकी मरम्मत के अंदर भी मदद करता है। शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोटीन शरीर के वृद्धि एवं विकास में, वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अदा करता है, ऑफ कोर्स हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां भी लगातार बढ़ती जा रही है, हमारी ग्रोथ हुई उसके साथ साथ में मांसपेशियां भी बढ़ती गई, तो उस हिसाब से इसके अंदर क्या हो गया, ग्रोथ होती जाती है, हमारे शरीर के अंदर वृद्धि और विकास दोनों के अंदर मदद करता है। प्रोटीन जो है आप लोगों ने बहुत सारे पढ़े होंगे, प्रोटीन एंजाइम्स एम
बहुत सारे होते हैं एंजाइम्स एवं किसके हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि प्रोटीन से बनते हैं, हार्मोन के। इसका बेस्ट एग्जांपल अपने पास इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन होता है, निर्माण में सहायता करता है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। एंजाइम तो ऑलमोस्ट सारे किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है ना। तो यह प्रोटीन जो है एंजाइम्स एवं हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। प्रोटीन खुद टूटकर एसेंशियल आवश्यक, यह खुद टूटकर आवश्यक, यह आवश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अमीनो अम्ल उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध करवाता करवाता है। खून टूटेगा और टूटकर अमीनो एसिड क्या करेगा, उपलब्ध करवाता है। और इसके अलावा हमें कोई भी अगर प्रोडक्शन चाहिए, हम प्रोडक्शन में क्या लेते हैं, यह है दूध, अंडा, मांस का तो आपने पढ़ ही लिया ना। मांसपेशियां किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है, ठीक है। तो यह दूध, अंडा, ऊन एवं मांस उत्पादन में सहायक होता है। तो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब प्रोटीन का अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं, प्रोटीन का वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है, किसका, प्रोटीन का वर्गीकरण। प्रोटीन का वर्गीकरण क्या कहता है भाई, प्रोटीन का वर्गीकरण बोलता है कि भाई मैं पहला तो मैं बांटा जाऊंगा सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर भाई, घुलनशीलता के आधार पर। सबसे पहला जो होगा वो किसके आधार पर होगा, घुलनशीलता के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे। घुलनशीलता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक फाइब्रस और एक ग्लोब्यूलर, ठीक है ना। तो इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक फाइब्रस और एक ग्लोब्यूलर। फाइब्रस जो है जल में अघुलनशील है, फाइब्रस जो है जल में अघुलनशील है, और ग्लोब्यूलर जल में घुलनशील है। ठीक है, तो दो तरीके के, फाइब्रस हो गया, एक ग्लोब्यूलर हो गया। फाइब्रस जल में अघुलनशील रहेगा और ग्लोब्यूलर जल में घुलनशील रहेगा। तो इसका फाइब्रस का अपने पास एग्जांपल आता है, पहला सबसे पहला अपने पास इसका एग्जांपल आएगा, एक तो कोलेजन, एक इलास्टिन, ठीक है। कोलेजन कहां कहां पाया जाएगा, कोलेजन प्रोटीन, एक तो कोलेजन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है, और एक इलास्टिन प्रोटीन। इसको करने से पहले अपन कोलेजन प्रोटीन के आप एग्जांपल देखिए, हड्डियों, दांतों, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर अपनी जो हड्डियां होती है, कहाँ पर अपनी जो हड्डियां होती है, दांत होती है, इसके अलावा जो टेंडन होते हैं, जो अपने लिगामेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हड्डी, दांत, टेंडन व स्किन में पाया जाता है। तो टेंडन व स्किन में पाया जाता है कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन है जो कि जल में अघुलनशील है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद में ये और किस में पाया जाता है, संयोजी ऊतकों में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो सेकंड एग्जांपल है वह इलास्टिन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन।
दो तरीके के प्रोटीन हो गए अपने पास। ओके, अब अपने पास आता है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर कहाँ कहाँ पर है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग देखते हैं ग्लोबुलर कौन सी है, वाटर में घुलनशील एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन जो सफेदी होती है ना अंडे की, अंडे की सफेदी, तो कहां पर किसमें प्रेजेंट होता है? अंडे के अंदर प्रेजेंट होता है। और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन ग्लोबुलिन जैसे गामा इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हमारे जो शरीर के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर काम आती है, उसको बनाने के अंदर कौन कम काम करती है? ग्लोबुलिन काम करती है। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है, अंडे के अंदर मौजूद होती है और ग्लोबुलिन ब्लड के अंदर मौजूद होती है जो कि प्रतिरक्षा का काम करती है। ये किसका काम करेगी? प्रतिरक्षा में मदद करती है, प्रतिरक्षा में हेल्पफुल। ओके, तो दो तरीके के प्रोटीन हो गए, घुलनशीलता के आधार पर, एक फाइब्रस प्रोटीन एक ग्लोबुलर प्रोटीन, एक जल में घुलनशील है और एक जल में अघुलनशील है, ठीक है ना। और फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल में कोलेजन प्रोटीन हो गया, एक ग्लोबुलर प्रोटीन जो है उसके अंदर एल्बुमिन प्रोटीन हो गया और ग्लोबुलिन हो गया। फाइब्रस प्रोटीन के अंदर अपना एक कोलेजन प्रोटीन है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए क्या किया, मैं इसको आगे के पन्ने पर लेकर जाऊंगा। दूसरा इलास्टिन प्रोटीन है, इलास्टिन प्रोटीन किस किस में पाया जाएगा? ब्लड वेसल और लिगामेंट्स के अंदर। तो ये इतना सा अपन यहां लिख लेते हैं, ब्लड वेसल और लिगामेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा फाइब्रस प्रोटीन कहाँ होगा? फाइब्रस प्रोटीन के और एग्जांपल क्या है अपने पास? फाइब्रस प्रोटीन के अपने पास और एग्जांपल क्या है? कीरेटिन। कीरेटिन इसका एग्जांपल एक और है, कीरेटिन। क्या है? कीरेटिन, ठीक है। कहाँ कहाँ पर है? बालों में, ऊन में, खुर, नाखून, सींग। कहाँ कहाँ पर? बालों में, ठीक है, ऊन में, खुर, अपने जो नाखून हो रहे हैं नाखून, इनके अंदर भी क्या है? केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। खुर, नाखून, सींग, केराटिन डेड प्रोटीन होता है, ठीक है, सींग में पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन। इसके अलावा नेक्स्ट है मायोसिन, मांसपेशियों के अंदर, और फिब्रिन। तो अपने पास नेक्स्ट आएगा मायोसिन प्रोटीन, वो भी क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन। ये तीसरा है, और ये चौथा कौन सा है? मायोसिन प्रोटीन। ये कहां पर है? मसल्स में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास कौन सा प्रोटीन? मायोसिन हो गया। इसके बाद में आता है फिब्रिन प्रोटीन। कौन सा? फिब्रिन। किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, जो थक्का बनाने में मदद करता है, थक्का जमाने में मदद करता है, हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये अपने जो फाइब्रस प्रोटीन है उसके और एग्जाम्पल हो गए। अब प्रोटीन को संरचना के आधार पर भी बांटा जाता है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन वो किया जाएगा वो किस आधार पर किया जाता है? संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गी करण, ठीक है। संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे करोगे? जैसे कि पहला, जैसे मान लो कि एग्जांपल है इसमें, पहला है ग्लाइको प्रोटीन, जैसे मान लिया हमने लिखा ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन। ओके, तो ग्लाइको प्रोटीन में प्रोटीन और सुगर दो चीजें यहां पर है ना। ग्लाइको प्रोटीन में ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अंश है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दो चीजें मिलकर बनी है संरचना, इसके संरचना में दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन यानी सुगर, यहाँ पर एक तो है सुगर और प्लस प्रोटीन,
तो संरचना में कौन सी दो चीजें आ गई, एक सुगर है और एक प्रोटीन है, तो उसको अपन क्या क्या नाम देते हैं, ग्लाइको प्रोटीन नाम देते हैं, जहां पर अपन को सुगर भी दिखे और जहां पर अपन को प्रोटीन भी दिखे तो अपन उसको क्या नाम दे देते हैं, ग्लाइको प्रोटीन भी नाम दे देते हैं। दूसरा आता है हीमोप्रोटीन, क्या नाम आता है, हीमोप्रोटीन। आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखे, हीमोप्रोटीन के अंदर अपन लिखेंगे हीमोप्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो यहां पर ये ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, और हीम है वो आयरन है, ठीक है ना। तो ग्लोबिन और प्रोटीन कौन कौन सी चीजों को मिलकर बना, हीम और प्रोटीन को मिलकर बनाई है। हीम किसको कहते हैं, आयरन को बोलते हैं हीम, ठीक है। हीम और प्रोटीन को मिलकर क्या बनता है, हीमोप्रोटीन बनता है। तीसरा अपने पास है फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन जिसमें प्रोटीन और फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोप्रोटीन जिसमें प्रोटीन प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है केजीन प्रोटीन ऑफ मिल्क, ठीक है, केजीन प्रोटीन, CASEIN, केजीन प्रोटीन, केजीन प्रोटीन होता है मिल्क में, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है फॉस्फो प्रोटीन का, किसका एग्जाम्पल है, फॉस्फो प्रोटीन का। इसके बाद में एक आता है न्यूक्लियो प्रोटीन, क्या नाम है, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन हो, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन हो, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन हो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन हो। तो इसमें एग्जांपल हो जाएंगे आरएनए डीएनए, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए डीएनए तो होता है ना, तो इनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको अपन इस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो चलिए आइए प्रोटीन का अपन एक फटाफट से रिवाइज लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रोटीन को जब रिवाइज करते हैं तो हम लोग देखेंगे प्रोटीन क्या है। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कुछ में फॉस्फोरस और सल्फर से बनने वाला पोषक तत्व है, और प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, वह अमीनो एसिड कहलाती है। मैंने आपको बताया कि अधिकतर अमीनो एसिड शरीर में बन जाते हैं पशु के, लेकिन आर्जिनिन वैलिन हिस्टिडिन ल्यूसीन, ये एल लिखा हुआ है, ल्यूसीन आइसोल्यूसीन लाइसिन मैथ्योनिन फिनाइल एलेनिन ट्रिप्टोफेन थ्रियोनिन, ये पशु को बाहर से देने पड़ते हैं, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड इन पोल्ट्री ग्लाइसिन होता है। खाद्य पदार्थ जैसे कि मैं कहता हूं स्ट्रोक के अंदर 0 से 1% प्रोटीन है, ग्रेन में 18 से 12% प्रोटीन है, हे में 6 से 7% प्रोटीन है, मील बाय प्रोडक्ट जैसे सुगर मील तो 15 से 17% प्रोटीन है, मीट बाय प्रोडक्ट 40 से 80% प्रोटीन है, दालों में 25 से 30% प्रोटीन है, और खल के अंदर 35 से 45% क्या है, प्रोटीन है, ओके। इसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रोटीन के कार्य, पशु के शरीर का 20% हमारे शरीर में, आप देखेंगे मसल्स वगैरह इन सबको मिलाकर देखें तो अपन आसानी से 20% बता सकते हैं कि 20% भाग किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन शरीर में कोशिकाएं उत्तक और मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है एवं इनकी मरम्मत में भी क्या करता है, मदद करता है। अगर कहीं से कहीं आप कोई मांसपेशियां हट गई तो आपने देखा वहां पर वापस घाव जैसे हो गया, तो वो घाव वापस भर रहा है, तो वापस क्या हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है और उस प्रोटीन की वजह से घाव भर रहा है, तो मरम्मत में भी क्या करता है, मदद करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रोटीन एंजाइम्स एवं हार्मोन के निर्माण में भी सहायता करता है, ठीक है, और अमीनो एसिड को खुद टूटकर क्या करता है, शरीर को आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध कराता है। बाहर से कोई प्रोटीन जाएगा वह टूटेगा और शरीर को जो जो अमीनो एसिड जरूरी है वह शरीर को दे देता है। तो कुछ ऐसी ही प्रोसेस शरीर के अंदर चलती है, हम डायरेक्ट अमीनो एसिड तो लेते नहीं है, हम कोई प्रोटीन खा रहे हैं, ठीक है, वह प्रोटीन देखो ये एकदम मतलब कहते हैं ना सार्वभौमिक सत्य है कि हमने क्या खाया। जैसे मान लो आपने आलू खाया,
अब आलू का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होकर कंप्लीटली जब वो मोनोसैकेराइड में टूटेगा तो मोनोसैकेराइड में जाकर वो ग्लूकोज में टूटेगा, और वह ग्लूकोज शरीर के अंदर कोशिका के पास जाएगा, वायवीय श्वसन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और उसमें टूट जाएगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल से फिनोमिना, पर हम कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं तो वो प्रोटीन क्या है, अंदर जाकर किसमें टूटता है, अमीनो एसिड में टूटता है। फैट जो होती है वह किसमें टूटती है, फैट जो होती है ग्लिसरॉल में टूट जाती है, ठीक है ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब उसको खा रहे हैं प्रोटीन को खा रहे हैं तो वह अमीनो एसिड में टूट जाएगा, फिर हमारी कोशिकाओं के पास जाएगा, हमारी कोशिकाएं फिर उनको जो रिक्वायरमेंट है उस अमीनो एसिड से वह क्या करती है, उस हिसाब से अपने अपने प्रोटीन बना लेती है, ठीक है ना। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में प्रोटीन का वर्गीकरण, भाई अगर फैट सोल्यूबल है या फिर सॉरी वाटर सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो नहीं है तो फाइब्रस है, सोल्यूबल है तो ग्लोबुलर है। इसको देख लो, एल्बुमिन प्रोटीन अंडे में होती है, नॉर्मली होती तो सबके अंदर ही है पर अंडे में बहुत अच्छी मात्रा के अंदर उपलब्ध रहती है। ग्लोबुलिन गामा ग्लोबुलिन के अंदर प्रतिरक्षा में हेल्प करती है, रोगों से प्रतिरक्षा में मान लीजिए चाहे इसको। कॉलेजन प्रोटीन है हड्डियों दांतों टेंडन और स्किन में पाया जाता है, इलास्टिन प्रोटीन ब्लड वेसल और लिगामेंट में पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन बाल ऊन खुर नाखून सिंग में पाया जाता है, मायोसिन प्रोटीन मसल्स में पाया जाता है, फिब्रिन प्रोटीन रक्त में पाया जाता है और थक्का जमाने के अंदर हेल्पफुल है, थक्का जमाने में मदद करता है। संरचना के आधार पर जैसे अगर ग्लूकोज और शुगर और प्रोटीन बन रहे हैं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, हीम और प्रोटीन बन रहा है तो उसको हीमोप्रोटीन कह देंगे, अगर कहीं पर फॉस्फोरस जुड़ रहा है प्रोटीन में तो उसको फॉस्फोप्रोटीन कह देंगे, और अगर कहीं न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड के साथ में अगर प्रोटीन जुड़ रहा है तो उसको अपन न्यूक्लियो प्रोटीन कह देंगे। तो इसी के साथ अपना प्रोटीन का लेक्चर एक कंप्लीट होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट की बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।